और इसी बीच बड़ी खबर की बात करेंगे। तेज आंधी और बारिश से दो मंजिला मकान गिरा है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मलबे में लाखों का सामान जो है खाक हो चुका है। कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 38 का ये पूरा मामला है। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन करेगी। तो भिंड से ये बड़ी खबर है, तेज आंधी और बारिश से दो मंजिला मकान गिरा है। मलबे में लाखों का सामान दब चुका है। कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 38 का ये मामला है। हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। प्रशासन की टीम पहुंचेगी और नुकसान का आकलन करेगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भिंड की ये तस्वीरें हैं। तूफान का असर साफ तौर से भिंड में देखा गया, जहां पर मकान गिरने की ये तस्वीर है, किस तरह से मकान गिरा है। और मलबा पूरी तरह से खट्टा हो चुका है, मलबे में सारा सामान दब चुका है। ये तेज आंधी और बारिश से दो मंजिला मकान गिरा, मलबे में लाखों का सामान दब चुका है। कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 38 का ये पूरा मामला है। हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। प्रशासन की टीम फिलहाल मौके पर पहुंचेगी और नुकसान का आकलन करेगी। मुरैना से बड़ी खबर है, तूफान पेपर जॉय का असर साफ तौर से देखा जा रहा है। तेज आंधी और बारिश में दो मंजिला मकान ढह चुका है। मकान का आधा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। मकान के अलग अलग कमरों में 6 लोग सो रहे थे। 2 लड़कियां चपेट में आने से बुरी तरह से घायल हुई हैं। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सिहोनिया थाना इलाके के पार्थ का पूरा गांव का ये मामला है। श्योपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत महसूस हुई है। चूड़ी मार्केट और पुरानी सब्जी मंडी में पानी भर चुका है। सड़कों पर जमा हुआ घुटने भर का पानी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहगीर और दुकानदारों को परेशानियां हो रही हैं। कच्चे रास्तों पर भी कीचड़ जमा हो चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, श्योपुर की तस्वीरें हैं, किस तरह से पानी भर चुका है। रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है श्योपुर में और जलभराव की स्थिति हो चुकी है लगातार बारिश होने की वजह से। हालांकि उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, पर परेशानी भी बढ़ गई है। चूड़ी मार्केट पुरानी सब्जी मंडी में पानी भर चुका है। सड़कों पर घुटनों तक का पानी जमा हो चुका है। राहगीर और दुकानदारों को परेशानी हो रही है। कच्चे रास्तों पर कीचड़ भी जमा हो चुका है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अमित जुड़ गए हैं। वो ज्यादा जानकारी देंगे कि आखिर कैसे हालात हैं। अमित, तस्वीरें हमने देखी कि किस तरह से दो मंजिला मकान गिर गया है और मलबा किस तरह से इकट्ठा हो चुका है, सामान उसमें दब चुका है। आखिर क्या स्थिति अभी बनी हुई है वहां पर? लोग सुरक्षित हैं, नहीं है? रेस्क्यू किया जा रहा है उनका, कैसी स्थिति है बताइए। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जो गुजरात से बिपर जो है तूफान आया था, उसका अटैक अब एमपी में देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि मुरैना, भिंड, श्योपुर में उसका असर देखने को मिल रहा है। मुरैना में देर रात को बीते रोज से ही रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते देर रात को 5 गांव में अलग अलग मकान धराशायी हो गए। इस दौरान पार्थपुरा गांव की बात की जाए तो एक मकान में अलग अलग कमरों में 6 लोग सो रहे थे, जिसमें से आधे हिस्से को धराशायी होने के बाद जो सिका थी और बालाव
भाई करके दो बहन थी, उन दोनों को मलबे में ने अपनी जद में ले लिया। यही वजह है कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। दूसरी बात यह है कि जो प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के बीडी शर्मा, उनका गाँव है उनके गांव में भी एक मकान धराशायी हो गया है। और आपको बता दूं कि लोहा बड़ापुर और सूरजपुर खड़िया धारा सहित जो पार्थपुरा है और खड़िया हार है और उसी के पास में उनका गांव है, जो प्रदेश अध्यक्ष है बीडी शर्मा, उनके गांव में भी एक मकान धराशायी हुआ है। यही वजह है कि जो विपर्जय तूफान है उसका असर कह सकते हैं कि मुरैना सहित अन्य मुरैना के जो नजदीकी जिले हैं भिंड, मुरैना, इनमें भी, श्योपुर, इनमें भी देखने को मिल रहा है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर के, मंदिरों में ड्रेस कोड लागू रहेगा। अब हिंदू मंदिरों के साथ साथ जैन मंदिरों में भी ड्रेस कोड लागू होगा। जीन्स और शॉर्ट्स मंदिर में बैन कर दिए गए हैं। भोपाल के कई मंदिरों में शालीनता और सभ्यता के साथ आने का नोटिस लगाया गया है। पहनावे को लेकर मंदिर ट्रस्ट ने ये पहल की है। मंदिर परिसर में रील्स बनाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अब मंदिरों में ड्रेस कोड लागू होगा, शॉर्ट्स पहनना या जीन्स पहनना अब अलाउड नहीं होगा, क्या माने कि धीरे धीरे करके ये सभी मंदिरों में लागू कर दिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हिंदू धर्म की बात करें तो वैसे भी ये माना गया है कि जब हम पूजा के लिए बैठते हैं तो शालीन वस्त्र जो है वो पहनने चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आधुनिकता के इस दौर में तमाम जो मंदिर हों या दूसरे अन्य धार्मिक स्थल देखने को मिलता है कि चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, कई बार इस तरह के कपड़े पहनकर पहुंच जाते हैं जो शालीनता की श्रेणी में नहीं आते। इसके साथ ही कई ऐसे वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए जब धार्मिक स्थलों पर जाकर फिल्मी गानों पर जो रील बनाई गई है, इस तरह की जो चीजें हैं वो लगातार देखने को मिलनी, चाहे महाकाल मंदिर की तस्वीरें हों या फिर खजुराहो के मंगतेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर से जो तस्वीरें आई थी। तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करती हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो क्या धार्मिक पर्यटन के लिहाज से वहां जाती है या फिर अपनी रील्स बनाने के लिए जाती है। तो ऐसे में अब बहुत लाजमी सवाल होने लगा था कि क्या जो लोग भी वहां पहुंचते हैं, चाहे महिला हों या पुरुष हों, वो शालीनतापूर्वक कपड़े पहने। और यही कारण है कि अब मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें सामने आने लगी है कि मंदिरों ने अपने अपने ड्रेस कोड लागू कर दिए। साफ तौर पर ये कहा है कि फुल कपड़े पहनकर ही मंदिर में आए, खासकर शॉर्ट्स, जीन्स और टाइट टी शर्ट और जिस तरीके से आजकल जो आधुनिक कपड़े चल रहे हैं वो उस तरह के कपड़े पहनकर आने पर पूरी तरीके से मनाही लगाई गई है। तो ये तमाम जो नोटिस हैं वो अलग अलग मंदिरों में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर ये जो शालीनता भरे कपड़े हैं वो पहनने को लेकर लोगों से लगातार अपील की जा रही है और उम्मीद है कि मंदिर प्रबंधनों के द्वारा जो अपील की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लालघाटी पहुंचे। मुख्यमंत्री का वैदिक मंत्रोच्चार से स्वागत किया गया। जैन मंदिर के आसपास के घरों में महाजनसंपर्क कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। लालघाटी के बूथ क्रमांक 45 में महाजनसंपर्क कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घर घर संपर्क अभियान के तहत जैन नगर लालघाटी पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और देखिए जिस तरीके से हम भी बात करने की कोशिश करेंगे उनसे, किस तरह की बात वो कर रहे हैं। आज महाजनसंपर्क अभियान प्रारंभ किया है माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के 9 साल पूरे हुए हैं, उनके कामों को लेकर और प्रदेश की सरकार के कामों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं जो ये कह रहे हैं कि 9 साल पूरे हुए हैं उसके उपलक्ष्य में वो जनता के बीच जा रहे हैं और जनता भी उस तरीके से देखिए किस तरीके से उनका स्वागत कर रही है। जहाँ तमाम जो फूल बरसाए जा रहे हैं, जगह जगह उनका तिलक करके स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर वो जैन नगर पहुंचे थे जहाँ मंत्रोच्चार के साथ उनका स्वागत किया गया। बाद में वो जैन मंदिर भी गए, जैन मुनियों का आशीर्वाद भी लिया। तो ये 9 साल पूरे होने पर जो कार्यक्रम रखे गए थे उसी की कड़ी में आज से महाजनसंपर्क अभियान, घर घर चलो जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। उसी के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लालघाटी इलाके में पहुंचे हुए। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सैलन सिंह, न्यूज 18 भोपाल। भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभ हुआ है। मैं भी रामेश्वर जी के साथ महाजनसंपर्क अभियान में आज निकला हूँ। मोदी जी की सरकार के, मोदी जी के 9 साल बेमिसाल है। 9 साल में देश बदला है, जनता की जिंदगी बदली है। उन्होंने जो काम किए उनको जनता के घर घर पहुंच के हम
महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से बता रहे हैं और जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने भी प्रदेश का विकास और जनता के कल्याण में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। तो प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी के काम और प्रदेश की सरकार के कामों को लेके हम लोग अब निकले हैं जनता के बीच। वो जनता हमारी जनार्दन है, भगवान है, उसके बीच जा। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।